हम लोग का यहाँ मतलब हैंडपम्प भी सूख जाता था और कुआं भी सूख जाता था। हमारा भाई दीदी जितना भी सदस्य सब था यहाँ का गांव वासी सब जाते थे कोसों दूर पानी लाने के लिए। पानी के लिए जद्दोजहद की दास्तां सुनाते हेम्ब्रम तब करीब 16 साल के थे। जमशेदपुर से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर सरजामदा के जसकंडी गांव में पानी की भयंकर किल्लत थी। भू जल स्तर इतना नीचे चला गया था कि हैंडपंप से पानी की एक बूंद भी नहीं निकलती थी। गर्मी के दिनों में कुएं सूख जाते थे। पानी के लिए लोगों को हर दिन लंबा सफर तय करना पड़ता था। परेशानी हुई तो लोगों ने पानी की कीमत समझी और फिर इसे बचाने की कोशिश शुरू हुई। इनकी इस कोशिश में साथ दिया टाटा स्टील रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी ने, क्योंकि टाटा स्टील के द्वारा रेन वाटर संरक्षण के लिए हम लोग को एक ग्राम सभा किया गया। ग्राम सभा करने के बाद में कि हम लोग ये योजना को ला के आप लोगों का शायद अगर पानी संचय हो जाएगा तो भविष्य में शायद आप लोगों को पानी का दिक्कत नहीं होगा, तो इसी लिए हम लोग ग्राम सभा के द्वारा अनुमति से वो लोग बनाया। ग्रामीणों ने ग्राम सभा कर पानी की हर बूंद बचाने की ठान ली। टाटा के सहयोग से ग्रामीणों ने बारिश के पानी को बर्बाद होने से रोकने के लिए योजना बनाई। इसके लिए झोंपड़ी नुमा खपरैल घरों की छत के चारों ओर डक्ट लगाए गए। बारिश का पानी खपरैल से होते हुए डक्ट में आता है, फिर पाइप के जरिए पानी को पुराने बोरवेल के गड्ढे या सूखे कुएं में ले जाया जाता है। इस तरह बारिश का पानी बर्बाद होने के बजाय सीधे जमीन के अंदर चला जाता है, जिससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता रहता है। पहले गांव के कुएं और तालाब सभी सूख जाते थे, अब जो ये वाटर और निष्ठिक जो संसाधन को यहाँ लगाया गया टाटा स्टील के द्वारा, इससे क्या है कि यहाँ पर पानी जब नहीं सूखता है गांव के लोगों को बहुत फायदा होता है। पानी अभी बर्बाद नहीं हो रहा है, एक जगह जमा होके कुआं में यह हो रहा है, इसके बाद मतलब कि अच्छा कर रहा है कि बारिश का पानी बर्बाद नहीं हो रहा। इस विधि में हर घर पर लगभग 1,500 रुपए खर्च हुए। टाटा ने इसके लिए लोगों को फंड मुहैया करवाया। जसकंडी में करीब 20 मकान हैं। दैनिक मजदूरी करके जिंदगी बसर करने वाले यहाँ के लोगों के लिए शुरू में ये बेहद उत्साहजनक नहीं रहा, लेकिन अब इस गांव के कुएं और हैंडपंप में सालों भर पानी रहता है। यहाँ तक कि गर्मियों में पड़ोसी गांव के लोग भी यहाँ पानी लेने आते हैं। फिलहाल गाँव में भूगर्भ जल स्तर 30 फीट है, जबकि गर्मियों में 40 फीट तक चला जाता है। पानी का बहुत ही हम लोग को क्राइसिस था। अभी जो हार्वेस्टिंग हुआ है इससे परसेंटेज में जो लेयर है ना, पानी का लेयर ऊपर आ गया है। पानी का कोई दिक्कत नहीं है, ये पाइपलाइन होके हम लोग को पूरा सुविधा मिल गया। बूंद बूंद सहेजने की इस पहल का नतीजा ये है कि अब जसकंडी की महिलाओं को पानी के लिए भटकना नहीं पड़ता। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए ये गाँव एक मिसाल बन चुका है और इसे अपनाकर आसपास के गांव के लोग न केवल पानी की समस्या से निजात पा चुके हैं, बल्कि हर साल बारिश का लाखों लीटर पानी बर्बाद होने से बच रहा है। यहाँ पे लोकलिटी में जो है वाटर लेवल अब आसान हो गया है, सबके जो हैंडपंप्स वगैरह हैं उनके पानी भी अब ठीक से आता है। पहले था कि हैंडपंप चलाते रहो कम से कम एटलीस्ट 1 मिनट तक तो आपको चलाना पड़ेगा, उसके बाद पानी निकलेगा, लेकिन अब ऐसा है कि अब चलाएंगे थोड़ा देर में ही पानी आ जाता है। हम पानी बना नहीं सकते लेकिन बचा तो सकते हैं। यदि हर व्यक्ति ऐसा सोच ले तो हर एक गांव की तस्वीर बदल सकती है। छोटे से गांव में अपनाई गई इस सूझबूझ को यदि दूसरे लोग भी अपनाएं तो पानी की समस्या को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। 2400 घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।